ईश्वर ही कामना पूरी कर सकता है। एक राजा ने किसी राजा का राज्य छीन लिया। वो राजा तप करने लगा। कुछ दिन बाद उसकी प्रशंसा सुनकर राजा उस तपस्वी राजा के पास गया और बोला, आप अपना राज्य वापस लीजिए, इसके सिवा आप जो और मांगे सो दूं। तपस्वी राजा ने कहा, राजन आपको धन्यवाद है, पर यदि आप मृत्यु रहित जीवन, नित्य धन, वृद्धावस्था रहित जवानी, बिना दुख का सुख और बिना रंज की खुशी दे सके तो दीजिए। राजा ने कहा, इन्हें तो मैं नहीं दे सकता, यह सब तो ईश्वर से ही मिल सकते हैं। यह जवाब सुन तपस्वी राजा ने कहा, इसी से मैं अब सबको छोड़ ईश्वर की शरण में आया हूँ कि मेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि मनुष्य से यह काम हो न सकेगा। अनेक अज्ञानी जिन्हें ईश्वर पर विश्वास नहीं, मन में समझते हैं कि ईश्वर हमें खाने को देने थोड़ी आवेगा, यह उनकी गलती है। ईश्वर उनको भी खाना पहुंचाता है जो उसे कभी याद भी नहीं करते, फिर जो उसे याद करते हैं उन्हें वह क्यों न खाना पहुंचावेगा, अवश्य पहुंचावेगा, बशर्त कि इसमें दृढ़ विश्वास हो। अपने भक्तों के लिए ईश्वर हरदम तैयार रहता है।